please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. बड़ी खबर दीपक बिष्ट दिल्ली से दे रहे हैं। दिल्ली के महरौली में देर रात एक तेज रफ्तार एसयूवी और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में 20 साल के एक लड़के की मौत हो गई जबकि एक लड़के को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने एसयूवी को अपने कब्जे में ले लिया, मामले की जाँच में जुट गई है। नीतीश कुमार दिल्ली से बड़ी खबर दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस ने 100 करोड़ से ज्यादा के पुराने नोटों के साथ 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए इन लोगों में कानपुर का एक नामी बिल्डर, एक कपड़ा कारोबारी समेत कई बड़े चेहरे शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक एनआईए को ये सूचना मिली थी कि कानपुर में एक गिरोह पुरानी करेंसी को नई करेंसी में बदल रहा है। इसके बाद एनआईए ने ये जानकारी पुलिस को दी। नोटबंदी के बाद बरामद हुई पुराने नोटों की ये सबसे बड़ी खेप है। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। कानपुर से 100 करोड़ के पुराने नोट जब्त किए गए हैं। आपको बता दें कि 7 लोग इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। एनआईए और कानपुर पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है और बताया जा रहा है कि पुराने नोटों की ये अब तक की सबसे बड़ी खेप पकड़ी गई है। 7 लोगों को इसमें हिरासत में लिया गया है। हालांकि इस गिरोह के तार और कहां कहां तक फैले हैं इसकी जानकारी भी पुलिस जुटाने में लगी हुई है। एनआईए और कानपुर पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल ये गिरोह कानपुर में एक पुरानी करेंसी को नई करेंसी में तब्दील करने का काम कर रहा था। ये जानकारी एनआईए को मिली, एनआईए ने पुलिस को दी और अब पुलिस ने 7 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया है। बड़ी बात यह है कि इनमें जो 7 लोग हैं इनमें एक नामी बिल्डर, एक कपड़ा कारोबारी समेत कई बड़े चेहरे शामिल हैं। फोनलाइन पर मौजूद है हमारे सहयोगी नीतीश कुमार, उनसे बातचीत करते हैं। नीतीश, इस गिरोह की मॉडस ऑपरेंडी क्या थी? देखिए, अभी इन लोगों को 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इनसे पूछताछ की जा रही है। और दरअसल एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को कल दोपहर बाद सूचना मिली थी कि कानपुर के स्वरूप नगर इलाके के 2 रूम में जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का है वहां पर तकरीबन 100 करोड़ के करीब राशि जो है रखी गई थी और ये किसकी है फिलहाल इस बारे में पूछताछ की जा रही है। इस संबंध में 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और कल शाम 6 बजे तक 80 करोड़ की राशि जो है वो बरामद की जा चुकी थी। अभी गिनती के लिए इनकम टैक्स अथॉरिटीज और बैंकर्स को यूपी पुलिस ने अभी रोपिन किया है और इस बाकी जो जानकारी है वो पूछताछ के बाद ही 7 गिरफ्तार लोगों से पता चल पाएगा। नीतीश, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।